नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। इसको आप मेमोरी ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। मेमोरी ट्रेनिंग क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको चीजें याद कैसे करते हैं वो चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। याद कैसे करते हैं इन द सेंस, देखो हम अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इनमें इतनी सारी चीजें दी हुई थी हिस्ट्री में, तो इतनी सारी डेट्स हमको याद करने पड़ते हैं, किन किन लोगों के बीच में वॉर हुआ, और ज्योग्राफी में हमको कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, कहाँ से निकलती है, उनकी सहायक नदियाँ कहाँ है। जिससे मैंने आपको भी पूछ लिया कि अमरकंटक चोटी किस चोटी पे है, ठीक है, विंध्य पर्वत कहाँ पे स्थापित है, कहाँ से कहाँ तक, अरावली पर्वत का रेंज कितना है, ठीक है, केटू पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ती है। जिसका तोड़ मैं एक चीज लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका तोड़ है ये। अब जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, मैं एक आइडिया आपको बताऊंगा कि चीजें किस तरह से याद होती है। मैं आपको पीरियड टेबल याद करा सकता हूँ, मैं आपको क्यूब याद करा सकता हूँ, मतलब 1 से 100 तक कोई भी नंबर बोला जाए और उसके क्यूब आप तुरंत बता सकते हो। अगर मैं बोल दू 46 के क्यूब बताए, क्यूब बताओ तो आप अभी नहीं बता पाओगे, बट उस समय तुम तुरंत बता दोगे। तो ये भी चीजें मैं आपको याद करा सकता हूँ। प्लस राजधानियां, जो चीजें हम छोड़ देते हैं, जैसे कि अभी आपको लगता है कि 28 स्टेट है उनकी सारी राजधानियां मुझे याद है, बट कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं। तो अगर उस चीज को हम इमेज में याद कर ले तो हमको याद होगा, जैसे हम कोई चीज समझ जाते हैं तो हमको तुरंत याद हो जाती है। तो उसी तरह से ये भी चीजें हम उसको समझेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप, क्योंकि देखो हमको करते चले जाइए, एक समय आएगा कि आपको पूरी की पूरी चीजें, जितनी मैं चीजें बताऊंगा आपको तुरंत याद रहेंगी। स्टेट के नाम, हर एक स्टेट में कौन कौन सी राजधानी है, कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, ठीक है, उनमें विधानसभा कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितनी सीटें, सारी सारी चीजें आर्टिकल्स तक याद करा दूंगा, पीरियडिक टेबल में याद करा सकता हूँ आपको पूरे 118 तक, ठीक है। तो करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे वैसे हम करते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको आइडिया सिखाऊंगा कि किस, मैं आपको यहाँ पे कोई भी चीज याद नहीं कराने वाला, कोई भी चीज बस समझाऊंगा, सिर्फ हमको समझना है। एक बार समझ में आया तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इसको याद कैसे करेंगे? दो स्टेप में हमको याद करना है। हमको पहले, सबसे पहले फनी इमेज बनाना है और उसको फनी रिलेट कर देना है। फनी इमेज बना के फनी रिलेट कर देना है। कैसे? हम कोई चीज, देखो हमारा जो राइट ब्रेन है वो कभी भी फनी चीजों को जल्दी याद रखता है। फनी चीजें मतलब जैसे मूवी में कोई फनी डायलॉग्स होते हैं तो हमको सालों साल याद रहते हैं। एक बार भी सेकंड टाइम मूवी हम नहीं देखते हैं, फिर भी मूवी अगर सेकंड टाइम आ रही है सामने तो हम उनके डायलॉग को बोल सकते हैं या उसके इमेज को बता सकते हैं कि अब आगे क्या होगा। ऐसा कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमको चीजें याद रहती है, क्यों? क्योंकि हमारे फनी इमेज और फनी रिलेट करके हम अपने माइंड में उसको सेट कर लेते हैं। उसी तरह से क्यों ना हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चीजें हैं उनको एक फनी इमेज और फनी रिलेट करा सके तो कितनी अच्छी बात है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम वर्ल्ड में जितने नंबर होते हैं सबको लिख लेते हैं। ये है वर्ल्ड में इतने नंबर है, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, इससे बाहर तो मुझे कोई नंबर नहीं दिखता, आपको दिखता है तो अच्छी बात है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 इतने ही नंबर पूरे वर्ल्ड में होते हैं, इनमें से ही मिला जुला के बनते हैं, ठीक है। अब अगर इन्हीं नंबर्स को हम वर्ड में फनी इमेज बना के फनी रिलेट करा ले, दो चीजें हमेशा याद रखो, फनी इमेज, फनी रिलेट। अगर वो दोनों चीजों को, इन नंबर्स को हम वर्ड में बना के उसको माइंड में रिलेट करा ले तो कितनी अच्छी बात है। देखो वन को हम एज अ पढ़ेंगे टी और डी, क्या पढ़ेंगे? टी और डी, ठीक है। 2 को हम पढ़ेंगे N, 3 को हम M पढ़ेंगे, 4 को R, 5 को L, 6 को G, J, CH और SH, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ, T और D, ठीक है। इसको N पढ़ेंगे, इसको M, R, L और इसको K और C पढ़ेंगे, इसको F, V, इसको P और B, इसको Z और S, मैंने तो लिख दिया फटाफट। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 1 को ऐसे याद करेंगे, 1 को हम अगर ऐसे नीचे खींचे और ऊपर खींचे तो टी बन जाती है, टी बन गया। अगर हम 1 को ऐसे खींचे और 1 को टेढ़ा करके लगाते तो टी बन गया, 1 याद हो गया ना। 1 को सिंगल लाइन, ऊपर एक लाइन तो टी हो गया, एक लाइन टेढ़ा लाइन, टी को 1 को उल्टा कर देंगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 आपको याद हो गया, 1 का क्या हो गया? टी और डी, ठीक है। अब चलते हैं 2 की तरफ, 2 को कैसे याद करेंगे, 2 को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से। तो 2 को अगर मैं ऐसा घुमा दूं तो कैसे दिखेगा ये? एन दिखेगा ना, ऐसा,
टू ऐसा है तो इसको घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा, तो ये मेरा एन हो गया, ठीक है। ऐसा टू है इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से एन बन जाएगा, ये एन हो गया। थ्री का क्या है, एम है, तो थ्री को कैसे लिखेंगे, थ्री को अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो अगर इसको ऐसे घुमा दूंगा कैसे दिखेगा, ऐसा, तो ये थ्री पे एम हो गया, टू का एन हो गया, थ्री का एन हो गया। अब फोर का क्या करेंगे, फोर, फोर बचपन में हम फोर को कैसे लिखते थे, ऐसा आर लिखते थे, फोर को क्या लिखते थे, आर, फोर को ऐसा लिखते थे ना बचपन में, ऐसा वन टू थ्री और फोर, तो ये फोर फोर के लिए हो जाएगा, ठीक है। फाइव, फाइव के लिए क्या ऐड करेंगे, इस तरह से फाइव मतलब फाइव, तो फाइव ऐसा रहेगा, फाइव को ऐसा करेंगे तो एल बनता है, फाइव को ऐसा करेंगे तो एल बनता है, तो एल हो गया, ठीक है। सिक्स, सिक्स को कैसे ऐड करेंगे, सिक्स ऐसा लिखते हैं, ऐसा ऐसा, तो इसको ऐसा करेंगे, जी हो जाएगा। सिक्स को ऐसा लिखते हैं, इसको उल्टा घुमा देंगे तो इस तरह से दिखेगा ऐसा, तो ये जे हो गया। और सी एच और एस एच, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिक्स को क्या लिखेंगे, जी जे और सी एच और एस एच, ठीक है, ऐसे दो प्रकार में लिखेंगे। अब सेवन की तरफ चलते हैं, तो सेवन को ऐसे लिखते हैं, तो एक बार सेवन को हम ऐसा लिखेंगे और एक बार ऐसा लिख देंगे, एक बार सेवन ये और एक बार सेवन ये, तो के हो गया, ठीक है। और सी, के और सी, के आया जहां पे वहां पे सी, ठीक है, याद रखना है, जहां का के वहां का सी, तो सेवन का दो हो गया, के और सी। एट पे आते हैं, एट हम लोग कैसे लिखते हैं रोमन में, ऐसा लिखते हैं, है ना, एट को ऐसा लिखते हैं। तो एट में एफ और बी, तो ये वाला अलग हो जाएगा बी, और इस एफ को एक 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 यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एक कांड यहाँ यूज होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एफ हो गया, वी यहाँ पे, तो वी और एफ। एट को कैसे लिखते हैं, वी आई आई आई, तो वी, वी हो गया, और ये दोनों तीनों को यूज करके हम एफ बना देंगे, तो ये हो गया वी एफ। अब नाइन को कैसे लिखेंगे, नाइन ऐसा होता है, तो नाइन को हम क्या करेंगे, घुमा देंगे ऐसा, पी हो जाएगा, नाइन को ऐसा घुमा देंगे पी, और पी को उल्टा कर देंगे तो बी हो जाएगा, पी और वी। जेड, जीरो को जेड और यस लिखते हैं, ये आपको याद रखना करना पड़ेगा, तो ये पूरी तरह से याद हो गया, जीरो और जेड एस। तो ये चीजें, जीरो जेड और यस, ये चीजें आपको याद करनी है, जब जिस दिन ये पूरी तरह से याद हो गया, मैंने तो टेक्निक तो बता दिया है, खाली आपको एक बार लिखना है, एक बार देख के लिखना है और समझ, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है, फिर आपको फटाफट याद हो जाएगा। जिस दिन आप ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे, वन का टीडी, टू का एन, थ्री का एम, फोर का आर, फाइव का एस, सिक्स का जी जे, सी एच एस एच, सेवन का के सी, एट का बी एफ और नाइन का पी बी आर, जेड का जेड एस, जीरो का, तो इस तरह से जिस दिन आपने याद कर लिया उसके बाद आप एक नए टास्क की तरफ चलेंगे। उसके बाद क्या टास्क होगा, उसके बाद ये टास्क होगा, देखिए आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसा, इससे मेरा नाम विनीत है तो विनीत को वर्ड में कन्वर्ट करो, तो विनीत में कैसे लिखते हैं, वी आई एन आई टी, तो वी कैसा हो जाएगा, वी हमारा क्या है, वी पे क्या है, एट है, तो एट। वोवेल्स पहले कट कर देंगे, पहले वोवेल्स, यहाँ पे आप देखिए कोई भी वोवेल्स नहीं है, वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई, वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये मेरे वोवेल्स होते हैं। ये भी वोवेल्स उनको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इन्हीं वर्डों का यूज करके और वोवेल्स का यूज करके हम वर्ड बनाने वाले हैं, एक सेंटेंस बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे इन वर्डों को और इन वर्डों को यूज करके, ठीक है। तो वोवेल्स हमारा यहाँ पे नहीं है, तो वोवेल्स पे हम ध्यान नहीं देंगे, वोवेल्स कट कर देंगे, आई और आई वोवेल्स है, बचा क्या, एट, टू, वन, टी का वन, टू का एन और वी का एट, तो विनीत हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नाम, जैसे कि रमेश ले लो, तो रमेश पे कैसे लिखेंगे, ऐसा रमेश लिखेंगे, रमेश का वोवेल्स कट कर दो, ये दोनों कट हो गया, क्या बचेगा, फोर थ्री सिक्स, फोर थ्री सिक्स हो गया, आर का फोर, एम का थ्री, एस एच का सिक्स। अब कोई नाम बताओ, जैसे कि मनीष लिख दिया, मनीष, मनीष पे क्या करेंगे, ये कट करेंगे, बचेगा क्या, थ्री टू सिक्स। राकेश, जैसे कि राकेश दिया हुआ है, तो राकेश पे क्या करेंगे, पहले वोवेल्स कट कर देंगे, तो बचेगा क्या, फोर सेवन सिक्स, आर का फोर, के का सेवन, एस एच का सिक्स। एकदम फास्ट करना है, जितना हो सके उतना फास्ट करना है, ठीक है। जैसे कि रोशनी हो गया, रोशनी पे क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे रोशनी, तो वोवेल्स क्या कट करेंगे, वो कट कर देंगे, आई कट कर देंगे, बचेगा क्या, फोर सिक्स टू, है ना। इसी तरह से आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, नेम को करते करते और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, इससे ये होगा कि आपके माइंड में ये सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी। एक बार ये सेटअप हो गए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको पीरियड टेबल याद करना है, वर्ल्ड के वॉर कहाँ कहाँ पे, भारत में कितने वॉर हुए, सबको सब याद हो जाएंगे, रिवर कौन कौन सी, उनकी सहायक नदियां, कितने कैपिटल्स है, आर्टिकल्स तक याद करा दूंगा आपको मैं, भारत के कितने आर्टिकल्स है, टोटल आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे, ठीक है, शेड्यूल से याद, आर्टिकल्स में, हाँ आर्टिकल्स याद करा दूंगा, और भी सारी चीजें, रिवर्स याद करा दूंगा, नदियां, कैपिटल्स, और क्यूब मैं आपको बता सकता हूँ, क्यूब,
क्यूब किस तरह से याद करते हैं, 100 तक पूरे क्यूब आपको याद हो जाएंगे। कैलेंडर्स के डेट में आपको बता दूंगा कैलेंडर्स के डेट का कैसे याद करने हैं, ठीक है। कोई भी कैलेंडर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि इस अगर 1 अगस्त 1920 को संडे है तो बताइए कि 22 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आप मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैं आपसे बोलूंगा तब, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीजें नेक्स्ट वीडियो मेरा तभी प्ले करना जब आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि प्ले करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको ये सारी चीजें आएंगी नहीं। एक बार ये सारी चीजें आ गई उसके बाद आप बेझिझक कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अजय भारती सर का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसमें, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, पूरी तरह से आप तैयारी करके आइए, उसके बाद ही मजा आएगा आगे की वीडियो में, ठीक है। तब तक ले मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे जुड़ जाइए। एक बार आप जुड़ गए तो आपका ये चीज कंफर्म हो जाएगी, मैं जितने भी अपडेट डालूंगा, जितने भी न्यू वीडियो डालूंगा, आप तक फटाफट पहुंच जाएंगे और आप वो सारी चीजें हासिल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।